हदीस कुदसी राइट इन उर्दू, अल्लाह सेज एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वो ही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपर्द कर दिया अपने आप को उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वो ही जो मेरी चाहत है। सो अल्लाह सेज दैट देयर समथिंग दैट यू वांट इन योर टाइमिंग, बट देयर समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टाइम्ड फॉर यू, बट इफ यू trust the process and wait for what I've written for you, I will also give you what your heart desires. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ यही एक वीडियो नहीं है बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी औरतों ने इस रिवायत को रिकॉर्ड कर रखा है, बहुत सारी लड़कियों ने इसको रिकॉर्ड कर रखा है, बहुत से लड़कों ने जो है इसको रिकॉर्ड कर रखा है, और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे वो इंस्टाग्राम हो या एक फेसबुक हो, वहाँ बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया जाता है। इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं या फेसबुक की जो रील्स होती है, उनमें कोई ना कोई इस रिवायत को बयान कर रहा होता है, और यही कह के बयान किया जाता है कि यह हदीस कुदसी है, जबकि यह हदीस कुदसी नहीं है, बल्कि यह हदीस नहीं है सिरे से। इसको हदीस कुदसी या हदीस कहकर हरगिज़ बयान नहीं करना चाहिए, किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की बात नहीं आई है। अलबत्ता एक किताब है जिसका नाम है नवादिरुल उसूल, हकीम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, एक तो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अलावा एक हकीम तिर्मिज़ी थे, उनकी किताब है नवादिरुल उसूल। तो उसके अंदर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इस बात को जिक्र किया गया है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ये बात इरशाद फरमाई थी कि या दाऊद तुरीद व उरीद व यकून मा उरीद, कि दाऊद तुम चाहते हो एक बात और एक मैं चाहता हूँ, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इस तरह की जो मुकम्मल रिवायत है। तो इसको नवादिरुल उसूल के अंदर जिक्र किया गया है, और फिर नवादिरुल उसूल ही से दूसरी किताबों के अंदर ये बात आ गई है। लेकिन जो नवादिरुल उसूल के अंदर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तक जो रिवायत पहुंचती है, वो भी सनदन इतनी मज़बूत नहीं है, बल्कि उसके जो रुवात हैं उनके ऊपर भी कलाम हुआ है। तो बहरहाल इसको हदीस कहकर या हदीस कुदसी कहकर बयान करना तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, चूँकि इसका मफहूम सही है, मतलब इसका सही है, इसलिए कि इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है जो काबिल इश्काल हो, इसलिए अगर इसे हदीस कुदसी कहे बग़ैर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी नस्बत किए बग़ैर वैसे ही आदमी अगर कोई बयान कर दे तो वहाँ तो गुंजाइश इसकी निकल सकती है, लेकिन हदीस कहकर इसको बयान करना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। वस्सलामु अलैकुम।